जय हिंद साथियों, मैं हूं सुमित और आप देख रहे हैं सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, निरंतर टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है सामान्य ज्ञान से संबंधित। उसमें सभी प्रकार के प्रश्नों को मैं संकलित करता हूं। आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम ऐप में सर्च करना होगा IAS स्टडी ट्रेड, और आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन सर्च करना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाना है। स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। ये टेस्ट सीरीज पर आधारित होगा और बिना विकल्प के आपको उत्तर बताना होगा आपकी तैयारी कितनी है। मैं बहुत स्लो बोलूंगा आज, क्योंकि पिछले टेस्ट में थोड़ा सा जो है तेज तेज और जल्दी तो आप लोग उत्तर नहीं बता पा रहे थे, लेकिन आज मैं स्लो ही बोलूंगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो हुए हैं, आपको पता होगा कि जितने भी पेपर होते हैं जिनमें सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, उनमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जरूर पूछा जाता है। एक टॉपिक अलग से रहता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित आपको बताना है। हमारा पहला जो प्रश्न है, त्रिपुरी अधिवेशन की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया है। अब आपको उत्तर पता है तो आप टाइप करें और जल्दी से बताएं, फिर हम इसका उत्तर देखते हैं। तो आपने टाइप कर लिया तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा उत्तर? होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। जल्दी से आपको टाइप करना है, जल्दी से टाइप करें किसने कहा था इनकी मृत्यु के बाद, महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद टाइप करें तो इसका सही उत्तर होगा क्या होगा। आपने टाइप कर लिया, उत्तर हो जाएगा इसका जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, किसने कहा था? जल्दी से कमेंट में लिखें। आपसे बनता है तो कमेंट में लिखें और नहीं बनता है तो इसका उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है, फीनिक्स फार्म की स्थापना किसने की थी। जल्दी से लिखना है आपको, कमेंट में लिखना है फीनिक्स फार्म की स्थापना किसने की थी। तो आपने लिख लिया है कमेंट में, आपसे बनता है तो जल्दी लिखें, नहीं बनता है तो इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर होगा महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया। जल्दी से बताएं, मुस्लिम लीग आपको पता होगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी और इन्होंने मुक्ति दिवस कब मनाया था, कमेंट में लिखें जल्दी से। तो आपने लिख लिया, इसका उत्तर देखते हैं दोस्तों। उत्तर हो जाएगा 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुक्ति दिवस मनाया था मुस्लिम लीग ने। अगला हमारा जो प्रश्न है, भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य हेतु पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है, पृथक राज्य हेतु पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो किसने किया था, तो वो किया था चौधरी रहमत अली ने। अब आपको इकबाल का याद होगा, लेकिन पृथक राज्य हेतु रहमत अली ने किया था सर्वप्रथम। ठीक है, 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार ने राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। जल्दी से आपको कमेंट में लिखना है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या होगा, सही उत्तर जल्दी से कमेंट में लिखें। उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसको खाद्य एवं कृषि। ठीक है, अगला हमारा जो प्रश्न है, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी। जल्दी से कमेंट में आपको लिखना है, जल्दी से कमेंट में लिखें। अगर आपसे बनता है तो कमेंट में आप लिख सकते हैं। ठीक है, कमेंट में लिख लिया आपने, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक की। फॉरवर्ड ब्लॉक की इन्होंने 1939 में स्थापना की थी कांग्रेस छोड़ने के बाद। अगला प्रश्न, 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार की कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की। जल्दी से कमेंट में आपको लिखना है, अंतरिम सरकार की कैबिनेट की जो अध्यक्षता है वो किसने की थी, तो आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। आपने लिख लिया कमेंट में, जी हाँ, तो उत्तर हो जाएगा इसका सही जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे। जल्दी से आपको उत्तर बताना, किस पार्टी से जुड़े थे जयप्रकाश नारायण, जल्दी बताओ। तो इसका सही उत्तर होगा जयप्रकाश नारायण जुड़े थे सोशलिस्ट पार्टी से। नेक्स्ट है, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। आपको कमेंट के माध्यम से बताना है, उसके बाद हम उत्तर देखते हैं। जल्दी से कमेंट में लिखें, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट है, सुखदेव भगत सिंह और राजगुरु को फांसी कब दी गई। जल्दी से बताएं,
जल्दी से आपसे बनेगा क्वेश्चन, तो इसका सही उत्तर होगा क्या होगा, तो उत्तर हो जाएगा 30 मार्च 1931 को, 23 मार्च 1931 को दी गई थी भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी। नौसैनिक विद्रोह कब हुआ, जल्दी से लिखें नौसैनिक विद्रोह, कमेंट में आपको बताना अगर आपसे बनता है तो, नौसैनिक विद्रोह कब हुआ था, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कब हुआ था, 1946 ईस्वी में, जल्दी से लिखें। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की, कब की थी साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने, कमेंट में लिखें जल्दी। सही उत्तर इसका हो जाएगा क्या होगा, 1916 ईस्वी में। सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है, सीधी कार्रवाई दिवस, सही उत्तर बताएं जल्दी से कमेंट में लिख करके, सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है, इसका सही उत्तर होगा 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मनाया गया था सीधी कार्रवाई दिवस। नेक्स्ट है हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे, जल्दी से बताएं हरिजन सेवक संघ, हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे आपको कमेंट में बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपने लिख लिया कमेंट में, उत्तर होगा घनश्याम दास बिड़ला। पूना समझौता किस वर्ग से संबंधित था, पूना समझौता, पूना पैक्ट आपने नाम सुना होगा, तो किस वर्ग से संबंधित था जल्दी से आपको कमेंट में लिखना है, आपने उत्तर लिख लिया है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दलित वर्ग से संबंधित था पूना पैक्ट। नेक्स्ट है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी की स्थापना कब हुई, आपको पता है तो कमेंट में जल्दी से लिखें, नहीं पता है तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा, 1928 में, ठीक है। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, सभी को पता है जल्दी जल्दी से लिखें कमेंट में, सभी को पता है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, जल्दी से लिखें कमेंट में भारत छोड़ो आंदोलन, उत्तर होगा 9 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट है हंटर आयोग की नियुक्ति किस कांड के बाद की गई थी, जी हाँ दोस्तों हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी किस कांड के बाद की गई थी, और 13 अप्रैल 1919 को कौन सी घटना घटी थी, जालियांवाला बाग हत्याकांड, और इस कांड की जो जांच के लिए नियुक्ति की गई थी वो हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी, याद रखो। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो सभी को पता ही है किसने दिया था, भगत सिंह ने दिया था। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया, जल्दी से बताएं, भारत और पाकिस्तान के बीच एक रेखा सीमा रेखा है, उस रेखा का नाम क्या है, हमेशा पूछा जाता है रेड क्लिफ रेखा, और ये जो रेड क्लिफ रेखा है इसका जो सीमांकन किया था वो किसने किया था, तो कमेंट में आपने लिख दिया है, उत्तर हो जाएगा सर सिरिल रेड क्लिफ, और इन्हीं के नाम पर रेड क्लिफ रेखा पड़ी थी, भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा पूछी जाती है। अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था, अधनंगा फकीर कहा था किसने कहा था, जल्दी से लिखें कमेंट में किसने कहा था, देखते हैं इसका सही उत्तर, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों क्या होगा, चर्चिल ने कहा था, चर्चिल। खिलाफत आंदोलन किसने चलाया, जल्दी से बताएं, खिलाफत आंदोलन आपने पढ़े हैं आंदोलन, और आंदोलन हमेशा परीक्षाओं में कोई भी, चाहे नेट का एग्जाम हो, चाहे टेट का एग्जाम हो, चाहे सीटीईटी का एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो आप दे रहे हैं उसमें आंदोलन जरूर देते, भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन है वो आंदोलन एक टॉपिक अलग से रहता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शौकत अली व मोहम्मद अली ने खिलाफत आंदोलन चलाया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब पारित हुआ, जल्दी से लिखें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था, उत्तर हो जाएगा 1935 में। 1935 का भारत शासन अधिनियम आप पढ़ते हैं, भारत शासन अधिनियम 1935, आप देखते हैं कि जब हमारा संविधान का निर्माण किया गया तो भारत शासन अधिनियम की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है हमारे संविधान के निर्माण में, तो याद रख लेना भारत शासन अधिनियम का जो है पारित हुआ था 1935 में। कैबिनेट मिशन योजना कब बनी, जल्दी से बताएं, उसके पहले क्रिप्स मिशन योजना आई थी, क्रिप्स मिशन योजना असफल रही, उसके बाद कैबिनेट मिशन योजना आई, कब आई, तो जल्दी से कमेंट में आपको लिखना है कब आई है, सभी ने पढ़ा है संविधान और कमेंट में आप लोग लिख रहे हैं 1946, ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना 1946। दांडी मार्च कब आरंभ हुआ था, सभी को पता है दांडी मार्च कब आरंभ हुआ था, उत्तर हो जाएगा इसका 12 मार्च 1930 को ये दांडी मार्च आरंभ हुआ था। नेक्स्ट है चोरी चोरा कांड किस स्थान पर हुआ, जल्दी से लिखें, चोरी चोरा कांड किस स्थान पर हुआ था, तो 1922 में हुआ था गोरखपुर में, और इसकी वजह से चोरी चोरा कांड जो हुआ था इसकी वजह
वापस ले लिया था, महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन चलाया था वो वापस ले लिया था चोरी चोरा कांड की घटना की वजह से। तो ये गोरखपुर में हुआ था, ये चीज भी याद रखनी है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था, जल्दी से, अभी मैंने बताया भी था कि जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, कब हुआ था कमेंट में लिखें जल्दी से फटाफट, जिसपे भी बनता है। बहुत छोटे से हम पढ़ते आ रहे हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड, उत्तर हो जाएगा 1919 ईस्वी, अमृतसर, अमृतसर में हुआ था 1919 ईस्वी में। जनरल डायर ने गोलियां बरसाई थी, और जनरल डायर की जो हत्या की थी वो किसने की थी, ऊधम सिंह ने की थी लंदन में जाके, याद रखना। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ, जल्दी से लिखें कमेंट में, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था। तो आपका कमेंट आया है 1919 ईस्वी, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था, 1919 में। गांधी इरविन समझौता के बारे में जल्दी बताएं, कब हुआ था गांधी इरविन समझौता, जल्दी जल्दी। इसका सही उत्तर होगा क्या होगा, उत्तर हो जाएगा 1931 ईस्वी। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित था, किससे संबंधित था गांधी इरविन समझौता, लिखें जल्दी कमेंट में, गांधी इरविन समझौता था सविनय अवज्ञा आंदोलन से। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। कई बार एग्जाम में पूछा गया स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, आपको कमेंट के माध्यम से लिखना है, इसका सही उत्तर लिखना है। आप सही उत्तर लिख रहे हैं तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अगर आपसे उत्तर बनता है तो लिखें, नहीं बनता है तो उसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, सॉरी प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, है ना। प्रथम भारतीय तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे, जल्दी से लिखें, ट्रेन डकैती के नायक कौन थे, जल्दी से। काकोरी कांड आपने पढ़ा था, इस कांड के नायक थे रामप्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट है, स्वराज दल की स्थापना किसने की, तो मोतीलाल नेहरू और बी आर दास ने की थी। स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी की जो स्वराज दल है इसकी स्थापना की थी इन्होंने, मोतीलाल नेहरू ने और बी आर दास ने। कई बार पूछा गया साइमन कमीशन कब भारत आया था, साइमन कमीशन के बारे में तो आपको पता होगा, साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में, और साइमन कमीशन का जो विरोध किया था तो लाला लाजपत राय के ऊपर लाठियां बरसाई गई, लाठी चार्ज हुआ था, तभी लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। और साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए थे, क्यों लगाए थे, क्योंकि साइमन कमीशन जो है इसमें सभी सदस्य जो थे वो अंग्रेज थे, याद रख लेना, एक भी भारतीय नहीं था। किस अधिनियम में भारत में पहली बार संघीय संरचना प्रस्तुत की गई, तो किस अधिनियम में की गई थी, जल्दी से लिखें कमेंट में, आपको पता है उत्तर, उत्तर बता रहे हैं, उत्तर सही, इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1935 का अधिनियम, इसमें संघीय संरचना प्रस्तुत की गई पहली बार। 23 फरवरी 1942 ईस्वी, कोरायल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किसने किया था, आपको कमेंट में बताना है किसने किया था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्तर हो जाएगा सरदार पटेल एवं मोहम्मद अली ने। नेक्स्ट है, जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, सभी लोग कमेंट करेंगे, जितने लोग भी देख रहे हैं सभी लोग जल्दी से बताएं, आपके पास टाइम है, जल्दी जल्दी बता रहे हैं आप। जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश जो दिया था, उत्तर होगा जनरल डायर ने, ठीक है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो उत्तर हो जाएगा इसका, सभी को पता है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। एक और उत्तर आप बताएंगे कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था, जल्दी से, दो क्वेश्चन ये बन जाते हैं कभी कभी, तो महात्मा सर्वप्रथम किसने कहा था, किसने कहा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने, और राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस ने, याद रखो। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत ने अपनी आजादी का पहला जश्न कहाँ मनाया था, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कहाँ पर मनाया था 1947 को पहला जश्न, तो पहला जश्न मनाया था कलकत्ता में, याद रखना। भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ था, विभाजन हुआ था 1947 में, किस योजना के तहत हुआ था, तो जल्दी से कमेंट में आपको लिखना है किस योजना के तहत हुआ था, तो उत्तर हो जाएगा माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। महात्मा गांधी की हत्या कब हुआ, किसने की थी, तो जल्दी से सभी लोग कमेंट में बताएंगे, सभी लोगों को पता है, तो जल्दी 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 बताएं, उत्तर इसका सही हो जाएगा, महात्मा गांधी की हत्या की थी, किसने की थी, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथुराम गोडसे ने। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, जल्दी से लिखें, प्रथम बताना है, प्रथम प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे स्वतंत्र भारत के, तो राजगोपालाचारी सी चक्रवर्ती, है ना, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे।
स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? जल्दी से लिखें, ये तो कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, आपको कमेंट में लिखना है किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। असहयोग आंदोलन के शुरू होने के समय भारत का वायसराय कौन था? जल्दी से आपको कमेंट में लिखना है कौन था, जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था तो भारत का जो वायसराय था वो कौन था? 1920 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, और चोरा चोरी जो घटना हुई थी उसके चलते इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। इंडिया फॉर इंडियन नामक पुस्तक किसने लिखी है? जल्दी से लिखें कमेंट में इंडिया फॉर इंडियन। उत्तर इसका सही आपको बताना है, इंडिया फॉर इंडियन नामक पुस्तक लिखी थी किसने? उत्तर होगा चितरंजन दास ने। नेक्स्ट है, जनरल डायर की हत्या किसने की? सभी बताएंगे, अभी मैंने बता भी चुका हूँ एक बार कि जनरल डायर ने जलियांवाला बाग जो हत्याकांड, उसमें गोलियां बरसाने का आदेश दिया था, और जनरल डायर की हत्या किसने की थी? उत्तर हो जाएगा ऊधम सिंह ने। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? आपको कमेंट में लिखना है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या होगा? 1921 ईस्वी। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग के समय भारत का वायस राय कौन था? जल्दी से आपको कमेंट में, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, जनरल डायर ने गोलियां बरसाई, जनरल डायर की हत्या की ऊधम सिंह ने, और हंटर आयोग इसकी जांच के लिए बनाया गया था। जलियांवाला बाग कांड के समय भारत का जो वायस राय था वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। याद रखो, किसे लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है? लाल कुर्ती के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा क्या होगा? उत्तर हो जाएगा दोस्तों खुदाई खिदमतगारों को। 1919 ईस्वी में पंजाब में हुए अत्याचारों के फलस्वरूप किसने ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि लौटा दी थी? सर की उपाधि ब्रिटिश सरकार की लौटा दी थी 1919 ईस्वी में पंजाब में हुए अत्याचारों के फलस्वरूप। उत्तर हो जाएगा क्या? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा कहा था, है ना, और इन्हें ही हिंदी साहित्य जो है साहित्य में गीतांजलि के लिए, साहित्य में गीतांजलि के लिए इन्हें क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था, याद रखो 13 में। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका सही उत्तर होगा किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट, स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? स्वराज पार्टी जल्दी से बताएं, जल्दी कमेंट में लिखना है आपको, लिखें जल्दी, आपको पता है जल्दी से कमेंट में लिखें, नहीं पता है तो इसका उत्तर होगा इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की? जल्दी से लिखें कमेंट में, इंडियन लिबरल फेडरेशन की जो स्थापना हुई थी वो किसने की थी? 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? जल्दी से, कई बार पूछा गया, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, और इस समय इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था वो कौन था? जल्दी से कमेंट में, इस प्रकार के प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। उत्तर हो जाएगा चर्चिल, इस समय चर्चिल था, ठीक है। 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जल्दी से लिखें कमेंट में, 1947 में। तो उत्तर इसका सही होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 ईस्वी का अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1938 का अधिवेशन बताना है आपको, कहाँ पर हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का? इसका सही उत्तर होगा मित्रों हरिपुरा में। 1927 ईस्वी की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? उत्तर हो जाएगा इसका क्या होगा? बटलर कमेटी का उद्देश्य भारत सरकार और देशी राज्यों के बीच संबंध सुधारना। करो या मरो का नारा किसने दिया? जल्दी से सभी लोग बताएंगे कमेंट में एक साथ, करो या मरो का नारा दिया किसने? किसने दिया है? उत्तर होगा महात्मा गांधी ने, करो या मरो का नारा दिया। 1931 ईस्वी के कराची अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? कराची अधिवेशन 1931 में किसने की थी अध्यक्षता? कमेंट में लिखो जल्दी जल्दी। उत्तर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का क्या कारण था? कारण क्या था? कमेंट में आपको लिखना है क्या कारण था। उत्तर होगा इसका, इसके सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। अगला प्रश्न है मित्रों, किस आंदोलन में सरदार पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? किस आंदोलन में निभाई थी? जल्दी से बताएं आप। तो इसका सही उत्तर होगा किस आंदोलन में निभाई थी? सभी को पता है इन्हें सरदार की उपाधि इसी आंदोलन के बाद दी गई थी, बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह में कहते हैं कि यहाँ की महिलाओं
ने इन्हें बारदोली सत्याग्रह के बाद सरदार की उपाधि दी थी। याद रखो, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव वाले किसने बनाया? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था और 1942 में जो आंदोलन हुआ उसका प्रस्ताव आलेख बनाया था महात्मा गांधी ने। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम किस शहर के निकट था? जल्दी से लिखना है कमेंट में। उत्तर हो जाएगा अहमदाबाद, अहमदाबाद के निकट था। स्वदेशी आंदोलन किस कारण आरंभ हुआ? स्वदेशी आंदोलन किस कारण आरंभ हुआ? उत्तर में लिखें, उत्तर हो जाएगा इसका सही, बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था। बंगाल विभाजन के विरोध में विद्रोह का संचालन किसने किया था? बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में और इसका जो विद्रोह, इसका जो विरोध किया था और इसमें विद्रोह का जो संचालन किया वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। लखनऊ समझौता कब हुआ? सभी लोग बताएंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है लखनऊ समझौता, सभी लोग लिखें कमेंट में लखनऊ समझौता कब हुआ। उत्तर होगा 1916 ईस्वी में। निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? जल्दी से कमेंट में लिखना है, निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, अरविंद घोष ने निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत प्रतिपादित किया। 1906 ईस्वी को कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? 1906 को आपको पता होगा कि 1906 के बाद जो 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था उस समय कांग्रेस का विभाजन हो गया था, लेकिन यहाँ पर 1906 ईस्वी को कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। और 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया, दो दलों में विभक्त हो गया, गरम दल और नरम दल। याद रखो 1908 ईस्वी को बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष की जेल हुई थी 1908 में? तो 1908 में 6 वर्ष की जेल हो गई थी बाल गंगाधर तिलक को। बंगाल से बिहार कब पृथक हुआ? बंगाल और से बिहार को पृथक किया गया कब? 1912 ईस्वी में। नेक्स्ट है, राजनीति स्वतंत्रता की प्राण वायु है, यह शब्द किसने कहे? जल्दी से लिखें कमेंट में, आपको लिखना है, आपसे उत्तर बनता है तो, और नहीं बनता है इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, अरविंद घोष। मुजफ्फरपुर में किस किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब हुआ था? किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब हुआ था? उत्तर इसका सही हो जाएगा कब हुआ था, 1908 ईस्वी में। नेक्स्ट है, लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल का विभाजन कब रद्द हुआ? बंगाल का विभाजन 1905 में किया गया और लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया, कब रद्द कर दिया गया? 1911 में। याद रखो 1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसने कराया था? 1916 में किसने करवाया था, जल्दी बताओ, 1916 डॉक्टर एनी बेसेंट, है ना। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? जल्दी से कमेंट में आपको बताना है, अगर आपको पता है तो। आंदोलन से संबंधित प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, सी आर दास ने किया था। सूरत अधिवेशन कब हुआ, जल्दी से बताएं। सूरत अधिवेशन के बारे में मैं बता भी चुका हूं, आपको एक बार फिर से लिखना है कमेंट में, सूरत अधिवेशन कब हुआ था? इस समय कांग्रेस का विभाजन हुआ, दो दलों में विभक्त हो गया कांग्रेस और उसका जो सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में हुआ था। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? जल्दी से कमेंट में लिखना है आपको, किसने कहा था मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, सरोजनी नायडू ने कहा था। नेक्स्ट है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? गीता रहस्य, जल्दी से लिखें, गीता रहस्य नामक ग्रंथ लिखा गया किसके द्वारा लिखा गया आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा क्या होगा, बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा गया। बाल गंगाधर तिलक को 1908 में 6 साल की जेल हो गई थी। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शीर्ष गीत वंदे मातरम था? तो किस राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत था वंदे मातरम, जल्दी से आपको बताना है, कौन सा आंदोलन था? आंदोलन था स्वदेशी आंदोलन, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन। बंगाल के विभाजन के जो विरोध में आंदोलन चलाया गया था, स्वदेशी आंदोलन चला गया था और इसका शीर्ष गीत था वंदे मातरम। अनुशीलन समिति क्या थी, जल्दी से बताएं, अनुशीलन समिति कमेंट में लिखना है आपको, अनुशीलन समिति के संबंध में। उत्तर हो जाएगा, एक क्रांतिकारी संगठन था अनुशीलन समिति। नेक्स्ट है, भारत में गरम दलीय आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? तो गरम दलीय आंदोलन के जनक थे बाल गंगाधर तिलक और दो दलों में बटा था कांग्रेस, गरम दल और नरम दल, ठीक है। गरम दलीय के कौन थे, बाल गंगाधर तिलक थे। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव शुभारंभ किसने किया, जल्दी से लिखें, ये तो कई बार पूछा गया, गणपति उत्सव तो किसने किया था,
आपने लिख लिया है कमेंट में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या होगा? उत्तर होगा दोस्तों बाल गंगाधर तिलक, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का शुभारंभ किया था इन्होंने। पंजाब केसरी किसे कहा जाता था? पंजाब केसरी या शेरे पंजाब किसे कहा जाता था? जल्दी से लिखें, कमेंट में लिखना है आपको पंजाब केसरी किसे कहा जाता था। इसका सही उत्तर होगा लाला लाजपत राय को। आपको पता होगा 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया तो लाला लाजपत राय और इनके अन्य साथियों ने सभी ने इसका विरोध किया और जो है साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए। क्यों लगाए? क्योंकि इसमें एक भी सदस्य जो है भारतीय नहीं था, सभी सदस्य अंग्रेज थे, तो इन्होंने इसका विरोध किया और इस दौरान लाठी चार्ज हुआ तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। याद रख लेना इन्हें शेरे पंजाब या पंजाब केसरी कहा जाता है। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था आपको बताना है? मुस्लिम लीग का आपको प्रथम अध्यक्ष बताना है, जल्दी से लिखें, है ना। 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किया गया था, आगा खां। मुस्लिम लीग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो आगा खां थे। कौन थे? आगा खां। नेक्स्ट देखें, महाराष्ट्र में होम रूल आंदोलन किसने चलाया? होम रूल आंदोलन बताना है किसने चलाया था। इसका सही उत्तर होगा क्या होगा? उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक ने। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रिया विधि सर्वप्रथम कहां प्रयुक्त की थी? तो उत्तर लिखें, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रिया विधि सर्वप्रथम कहां प्रयुक्त की थी? तो चंपारण में 1917 में चंपारण बिहार से सत्याग्रह की क्रियाविधि महात्मा गांधी ने प्रारंभ की थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, नोट कर लें, चंपारण से की थी। सैंडर्स की हत्या किसने की? यदि से लिखें सैंडर्स की हत्या की थी किसने? भगत सिंह ने। सैंडर्स की हत्या किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प लिया था? किस वर्ष लिया था मुस्लिम लीग ने? तो इसका सही उत्तर होगा, कमेंट में लिखना है आपको सही उत्तर क्या होगा, 1940 ईस्वी। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में इसका प्रस्ताव पारित हुआ। 1947 ईस्वी के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? सभी रियासतें आपको पता होगा एक एक करके भारत जो है संघ में विलीन कर दी गई, लेकिन एक ऐसी रियासत भी थी जिसे बलपूर्वक विलीन किया गया, वो कौन सी रियासत थी? हैदराबाद सबसे बड़ी रियासत थी, इसका जो शासक था वो निजाम था और यह स्वतंत्र रहना चाहता था, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे और उन्होंने बलपूर्वक जो है इस रियासत को मिला लिया भारतीय संघ में। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया? तो दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, और एक कब दिया था सिंगापुर में? 1945 में। आपको पता होगा 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, और 24 अक्टूबर को हम प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाते हैं, ये चीज भी याद रखनी है। और दिल्ली चलो का नारा दिया था 1945 में किसने? सुभाष चंद्र बोस ने, ये भी चीज आपको याद रखनी है। असहयोग आंदोलन का शुभारंभ कब हुआ? जल्दी से लिखें, असहयोग आंदोलन सभी को पता है, कई बार पढ़ भी चुके हैं। उत्तर होगा 1920 में। असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया, ये भी हम बता चुके हैं पहले, तो आपको बताना है क्यों वापस ले लिया गया। चोरी चोरा में हुई हिंसक घटना के कारण ये असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब, स्थापना किसने की थी? जल्दी से आपको लिखना है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी कब हुई थी? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी इंडियन एसोसिएशन की। किस कांग्रेसी नेता को भारत का महान वृद्ध व्यक्ति भी कहा जाता है? जल्दी से लिखें, वृद्ध व्यक्ति कहा जाता था, किसे कहा जाता है? उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी को, महान, भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब व किसके काल में पारित हुआ था? आपको कमेंट में लिखना है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, तो उत्तर होगा इसका 1904 में लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट है, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? जल्दी से लिखें, आपको कमेंट में लिखना है, कई बार पूछा गया युवक, तो उत्तर हो जाएगा सत्येंद्रनाथ टैगोर को। भारतीय जो है सिविल सेवा में चुने गए प्रथम भारतीय थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला, जल्दी से लिखें, हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है किसे? ए ओ होम को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पहली बार कौन सा भारतीय ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? तो पहली बार हुआ था कौन सा भारतीय था, आपको पता होगा, कौन थे? दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी?
जल्दी से बताएं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में कांग्रेस का गठन किया गया और प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? तो मुंबई में। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? आपको कमेंट में बताना है, जल्दी से बताएं, उत्तर इसका सही हो जाएगा। भारतीय संघ के संस्थापक जो थे वो थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। किसकी गिरफ्तारी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नया मोड़ आया था? जल्दी से लिखें, तो बाल गंगाधर तिलक। आपको पता होगा 7 में कांग्रेस का विभाजन हुआ, 8 में बाल गंगाधर तिलक को 6 साल की जेल हो गई और इनकी गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस में एक नया मोड़ आया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में कितने लोगों ने भाग लिया था? तो कितने लोगों ने भाग लिया था, वो लिया था 72, 72 लोगों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जल्दी से लिखे, 1905 में एक घटना और घटी थी, बंगाल विभाजन। इस समय बनारस में अधिवेशन हुआ था, उस समय जो है अध्यक्ष कौन थे? तो आपको बताना है कौन थे अध्यक्ष, उत्तर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। राजनीतिक गुरु कहलाते हैं महात्मा गांधी के, राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष रहे। किस कांग्रेस नेता को नरम दलीय नेता नहीं माना जाता था? किसे नहीं माना जाता था नरम दलीय? तो आपको पता होगा उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक, क्योंकि ये क्या थे, गरम दलीय नेता थे। बंगाल का विभाजन कब हुआ, किस वायसराय ने किया था? जल्दी से लिखें, बंगाल का विभाजन किया था 1905 में, किस वायसराय ने किया था, आपको कमेंट में लिखना है जल्दी से। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट आपको बताना है, मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे प्रथम? तो जल्दी से कमेंट में लिखें आप, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर होगा बद्रुद्दीन तैयब जी। कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव सर्वप्रथम किस भारतीय ने लड़ा था? किस भारतीय ने लड़ा था, जल्दी से लिखना है। तो उत्तर हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? तो किसने लिखी, उत्तर होगा सुरेंद्रनाथ टैगोर ने। लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? आपको पता है तो कमेंट में लिखें, नहीं पता है तो उत्तर होगा इसका द्वारकानाथ टैगोर ने, लैंड होल्डर्स सोसाइटी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि क्या कहलाती है? तो उग्रवादी चरण। क्या कहलाती है, 1905 से 17 उग्रवादी चरण कहलाती है। नेक्स्ट है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? गदर पार्टी, जल्दी से कमेंट में लिखें, गदर पार्टी, गदर, लाला हरदयाल, लाला, लाला लोग क्या मनाते हैं, गदर मचा देते हैं, लाला के चक्कर में गदर पार्टी के लाला हरदयाल। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? सभी को पता है, सभी लोग कमेंट में लिख दें पहले, फिर मैं उत्तर बताता हूँ। जल्दी से लिखें फटाफट, फटाफट लिखते जाएं। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा, बाल गंगाधर तिलक ने। मार्लिमेंटो रिफॉर्म्स किस वर्ष हुआ था? तो जल्दी से लिखें कमेंट में, 1909। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वाग्राह नाम क्या है? क्या है 1909 का जो मार्लिमेंटो सुधार अधिनियम है ना, मार्लिमेंटो सुधार अधिनियम। भारत में गरम दलीय कौन थे जो बाद में एक योगी व दार्शनिक बन गए? जल्दी से लिखें, इस प्रकार के प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। भारत में गरम दलीय कौन थे जो बाद में एक योगी व दार्शनिक बन गए? तो कौन थे, अरविंद घोष। ठीक है, अरविंद घोष थे। मैडम बेका जी रुस्तम 1909 ईस्वी में पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाश करती थी? भीका जी कामा, भीका जी कामा, ये कौन सी पत्रिका निकालती थी समाचार पत्र? पैट्रियाट, पैट्रियट निकालती थी। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? जल्दी से लिखें, मुस्लिम लीग है ना, सलीम उल्ला और आगा खान ने की थी मुस्लिम लीग 1906 में। होम रूल आंदोलन का सूत्रपात कब हुआ? जल्दी से आपको बताना है, होम रूल आंदोलन कमेंट में लिखें, होम रूल आंदोलन का जो सूत्रपात है वो तो कब हुआ था? उत्तर हो जाएगा 1916 में। अखिल भारतीय होम रूल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? अखिल भारतीय होम रूल आंदोलन की कमेंट में आपको लिखना है, इसकी प्रवर्तक कौन है। आंदोलन जो हम पढ़ रहे हैं इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और स्पेशली जो है एक टॉपिक दिया जाता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो डॉक्टर एनी बेसेंट थी। बाल गंगाधर द्वारा
आरंभ की गई पत्रिका कौन सी थी? जल्दी से लिखें, बाल गंगाधर तिलक, है ना? तो इसका उत्तर हो जाएगा केसरी, केसरी निकाली थी इन्होंने, केसरी पत्रिका। भारतीय इतिहास में 1911 का क्या महत्व है? जल्दी से लिखें, 11 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं कि नहीं, और 1911 का महत्व है तो क्या महत्व है? राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण किया गया 1911 में। अनुशीलन समिति किससे संबंधित है? जल्दी से लिखें, अनुशीलन समिति। उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका पी के मित्रा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? सभी को पता है, सभी लोग कमेंट में लिखते जाएं फटाफट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो विभाजन हुआ था 1907 में। किस सैनिक ने 1857 का विद्रोह आरंभ किया? किसने किया था? सभी को पता है 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ था, है ना? तो किसने किया था? जल्दी से, बैरकपुर छावनी से। तो उत्तर हो जाएगा मंगल पांडे, मंगल पांडे, ठीक है। 1857 ईस्वी का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था, ये चीज भी आपको कमेंट में लिखनी है, कहाँ से आरंभ हुआ था? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों कहाँ से, बैरकपुर छावनी से। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? जल्दी से लिखना है, जल्दी से, आपको पता भी होगा, कमेंट में लिखें। तो किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था, आपने लिख दिया कमेंट में। उत्तर होगा मंगल पांडे ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? क्या थी महत्वपूर्ण विशेषता 1857 के? हिंदू मुस्लिम एकता, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? 1857 का जो विद्रोह हुआ था बैरकपुर छावनी से, मंगल पांडे जो है इसके प्रथम क्रांतिकारी थे, तो विद्रोह का जो मुख्य कारण था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। बेगम हजरत महल ने किस स्थान पर 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? हजरत महल ने किस स्थान पर किया था? तो लखनऊ से किया था बेगम हजरत महल ने। ये क्वेश्चन इस प्रकार से हर एग्जाम में बनते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? अच्छे से याद कर लें, आपको पता भी होगा तो कमेंट में लिखते जाएं, जल्दी से याद भी हो जाएगा ज्यादा। तो इस समय गवर्नर जनरल कौन था आपको बताना है। उत्तर होगा लॉर्ड कैनिंग। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई, इनका मूल नाम था मणिकर्णिका। क्या था? मणिकर्णिका। नेक्स्ट है बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सभी लोग कमेंट में बताएंगे किसने किया बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व। आपको टाइम भी दिया जा रहा है, किसने किया है जल्दी से आपको कमेंट में लिखना है। तो इसका सही उत्तर होगा क्या, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था नेता कुंवर सिंह ने। नेता कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो 9 मई 1858 ईस्वी में हुई थी। 1857 ईस्वी का विद्रोह किस उर्दू कवि ने देखा था? किस उर्दू कवि ने देखा था ये विद्रोह? वो देखा था दोस्तों किसने, मिर्जा गालिब ने। 1857 ईस्वी का आंदोलन किस कारण असफल रहा? जल्दी से कमेंट में लिखें, किस कारण रहा? इसका सही उत्तर हो जाएगा केंद्रीय संगठन की कमी, है ना? केंद्रीय संगठन की कमी के कारण तथा पूर्व योजना का ना होना, ये प्रमुख कारण था 1857 की क्रांति का, की असफलता का। 1857 ईस्वी के विद्रोह को किसने षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? किसने दी थी कमेंट में आपको लिखना, आपको पता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। षड्यंत्र की संज्ञा दी थी जेम्स आउट्रम व डब्लू टेलर ने, ठीक है, इन्होंने षड्यंत्र की संज्ञा दी। इलाहाबाद को किसने आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो किसने बनाया था आपातकालीन मुख्यालय? लॉर्ड कैनिंग ने। गडकारी विद्रोह, गडकारी विद्रोह का केंद्र कौन सा था? जल्दी से कमेंट में लिखना। गडकारी विद्रोह का जो केंद्र था वो कोल्हापुर। क्या था? कोल्हापुर। किस इतिहासकार ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? किसने कहा था? तो आपको कमेंट में लिखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था किसी इतिहासकार ने, तो कमेंट में लिखते जाएं जल्दी से फटाफट। उत्तर हो जाएगा इसका क्या, बी डी सावरकर ने कहा था स्वतंत्रता की पहली लड़ाई। 1857 ईस्वी के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को किस स्थान पर निर्वासित किया गया था? तो बहादुर शाह द्वितीय को निर्वासित। अगला प्रश्न है, किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश अधिकारी ह्यूरोज ने कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों में अकेली मर्द है? किसने कहा था? ह्यूरोज के साथ किसका युद्ध हुआ था? मणिकर्णिका लक्ष्मीबाई, मणि लक्ष्मीबाई का नाम है मणिकर्णिका, और ह्यूरोज ने कहा था कि
क्रांतिकारियों भारतीय क्रांति में अकेली मर्द है। 1857 ईस्वी की क्रांति का चिन्ह क्या था? निश्चित किया गया था चिन्ह, क्या किया गया था जल्दी से लिखें कमेंट में, ये भी कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। उत्तर होगा कमल व चपाती, है ना, ये 1857 की क्रांति का चिन्ह निश्चित किया गया। किसने कहा कि 1857 ईस्वी का विद्रोह ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? तो किसने कहा था जल्दी से लिखना है, कमेंट में लिखो, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर होगा इसका कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट, इस विद्रोह के समय जगदीशपुर के राजा कौन थे? जगदीशपुर के राजा कौन थे? इसका सही उत्तर होगा कुंवर सिंह, है ना। कुंवर सिंह ने बिहार से नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का, और ये जगदीशपुर के राजा थे। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? जल्दी से लिखें मंगल पांडे। बैरकपुर छावनी से 1857 की क्रांति का जो विद्रोह है इसने शुरुआत की, और मंगल पांडे जो है प्रथम शहीद थे, तो वो थे 8 अप्रैल 1857 को इन्हें फांसी दे दी गई थी मंगल पांडे को। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस उपन्यास में किया गया? सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया था किस उपन्यास में? आनंद मठ, आनंद मठ में किया गया। किसने कहा कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं? तो वो कहा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। नेक्स्ट है 1857 ईस्वी के विद्रोह में दिल्ली में इसका नेतृत्व किसने किया? सभी लोग बताएंगे, सभी को पता है दिल्ली में किसने नेतृत्व किया था, एक क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, सभी को पता है। तो उत्तर इसका सही हो जाएगा, क्या होगा जल्दी से लिख लो कमेंट में फटाफट, उत्तर होगा इसका बहादुर शाह जफर ने। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तात्या टोपे आपको पता होगा शिवपुरी में इन्हें फांसी दे दी गई थी। शिवपुरी में एक क्वेश्चन भी पूछा गया है कि तात्या टोपे को कहां पर फांसी दी गई थी, तो शिवपुरी में दी गई थी। और तात्या टोपे का जो वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। दादा भाई नौरोजी ने किस समिति की स्थापना की थी? दादा भाई नौरोजी जो है भारतीय सुधार समिति, भारतीय सुधार समिति की थी इन्होंने। भारतीय सुधार समिति की स्थापना कब हुई? दादा भाई नौरोजी ने भारतीय सुधार, क्योंकि सुधार तो दादा ही करेंगे, और सुधार समिति की स्थापना दादा भाई नौरोजी करेंगे कब? 1857 में, ठीक है। तो अगला प्रश्न आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 ईस्वी की अवधि को क्या कहते हैं? जल्दी से आपको बताना है तो कहते हैं उदारवादी, ठीक है। और 1905 से 1917 क्या कहते हैं? उग्रवादी। याद रखना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, सभी को पता है, सभी लोग जल्दी जल्दी से बताएं कमेंट में। राष्ट्रीय कांग्रेस 1885। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की स्थापना किसके द्वारा हुई? कांग्रेस की स्थापना हुई थी किसके द्वारा 1885 में, जल्दी से लिखें कमेंट में। उत्तर इसका सही होगा डॉक्टर ए ओ ह्यूम द्वारा। किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा? बिरसा मुंडा का संचालन किस प्रदेश में रहा? तो छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर में रहा बिरसा मुंडा। बायकॉम सत्याग्रह कहाँ चलाया गया था? जल्दी से लिखें कमेंट में। बायकॉम सत्याग्रह आपने कमेंट में लिख लिया होगा, बायकॉम सत्याग्रह केरल 1924-25 में चलाया गया था। दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? आपको कमेंट के माध्यम से बताना है दलित वर्ग मिशन की गई थी 1906 ईस्वी में मुंबई में। दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये भी आप बता देंगे कमेंट में, जल्दी से लिखें। उत्तर हो जाएगा बी आर शिंदे ने की थी। मुंडा क्रांति का नेता कौन था? मुंडा क्रांति का नेता बताना है आपको, जल्दी से लिखें मुंडा क्रांति। उत्तर होगा बिरसा मुंडा। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी, जल्दी से लिखें। उत्तर होगा स्वामी सहजानंद ने। किसने की थी? स्वामी सहजानंद। मुंडाओं ने विद्रोह कब किया? मुंडाओं ने विद्रोह किया था कब किया था कमेंट में लिखें आप जल्दी से। उत्तर होगा 1895 ईस्वी में मुंडाओं ने विद्रोह किया। हो विद्रोह कब हुआ? हो विद्रोह हुआ था कब हुआ था आपको लिखना है कमेंट में। हो विद्रोह इसका सही उत्तर हो जाएगा 1820-21 के दौरान हुआ था हो विद्रोह। छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम 1908 ईस्वी में किस पर रोक लगाई? तो किस पर रोक लगाई थी? बैट बेगारी पर रोक लगाई थी। अगला प्रश्न है मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध किसने आंदोलन खड़ा किया था? जल्दी से देखें किसने आंदोलन खड़ा किया था। उत्तर हो जाएगा इसका क्या होगा
जल्दी से बताओ, होंड जनजाति ने इन्होंने आंदोलन खड़ा किया था। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बना था प्रथम भारतीय, आपको बताना है कौन था, जल्दी से कमेंट में लिखें। इसका सही उत्तर होगा एम एन राय। महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था की स्थापना किसने की थी? रामोशी कृषक जत्था की, आपको कमेंट में लिखना है रामोशी कृषक जत्था की स्थापना। उत्तर हो जाएगा इसका वासुदेव बलवंत फड़के ने की थी। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ? छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था, जल्दी से लिखें। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या होगा, 1820 ईस्वी में। गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? जल्दी से, 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, गांधी का प्रथम सत्याग्रह प्रयोग था ये चंपारण का, और कब किससे जुड़ा था, तो तिनकटिया से जुड़ा था ये चंपारण सत्याग्रह। उल गुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा था? उल गुलान महाविद्रोह, जल्दी से लिखें, उल गुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा था। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या होगा, बिरसा मुंडा से। अगला प्रश्न है, खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था, खैरवार आदिवासी आंदोलन? तो इसका सही उत्तर होगा 1874 ईस्वी में हुआ था खैरवार आदिवासी आंदोलन। मोपला आंदोलन कब और कहाँ हुआ, आपको कमेंट के माध्यम से लिखना है। मोपला आंदोलन हुआ था साथियों 1921 ईस्वी में मालाबार में, कब हुआ था, मालाबार। गुलामगिरी का लेखक, जल्दी से लिखना है आपको, गुलामगिरी का लेखक कौन था? गुलामगिरी, आपको पता होगा गुलामगिरी का लेखक जो थे वो कौन थे, ज्योतिबा फुले। अगला प्रश्न है, पागलपंथी विद्रोह किसका था? पागलपंथी विद्रोह आपने नाम सुना होगा, पागलपंथी विद्रोह किसका था? ये राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्न हम पढ़ रहे हैं, गारो जनजाति का था पागलपंथी विद्रोह। कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी, कौन सी हुई थी घटित, तो वो हुई थी भील विद्रोह हुआ था महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संपादक कौन थे? नील आंदोलन का जमकर समर्थन किया था हिंदू पेट्रियाट के संपादक ने, और वो कौन थे संपादक, आपको कमेंट में लिखना है। तो उत्तर हो जाएगा हरिश्चंद्र मुखर्जी। अगला हमारा जो प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने सहयोग दिया, तो किसने सहयोग दिया था अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई में, उत्तर होगा बड़ौदा के महाराज ने, है ना। आधुनिक मनु के नाम से जाना जाता है अंबेडकर जी को, संविधान के जनक के नाम से जाना जाता है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। पूना समझौता किस किस के मध्य हुआ था, जल्दी से लिखें, आपको कमेंट के माध्यम से लिखना है। पूना समझौता किस किस के मध्य हुआ था, तो वो हुआ था महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के मध्य हुआ था पूना समझौता, ये कई बार पूछा गया है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, जल्दी से लिखें, कई बार हमने पढ़ चुके हैं सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा 1917 ईस्वी में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। चंपारण के नील सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था, चंपारण के नील सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था, तो आपको लिखना है नील सत्याग्रह हुआ था, इसका उद्देश्य क्या था, जल्दी से लिखें। नील उत्पादक कृषकों द्वारा तिनकटिया प्रथा का विरोध, है ना। नेक्स्ट है, मोपला विद्रोह का नेता कौन था, मोपला विद्रोह हुआ था इसका नेता कौन था, तो कौन था इसका नेता, मुसलियार, मुसलियार था। भारत के ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता कौन थे, जल्दी से आपको कमेंट में लिखना है, ट्रेड यूनियन के आंदोलन के जन्मदाता थे कौन थे, इसका सही उत्तर होगा एम एन जोशी, एम एन जोशी थे, एन एम जोशी, सॉरी एन एम जोशी। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी, जल्दी से लिखें कमेंट में, अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम आयोजित की गई थी कहाँ पर, लखनऊ में, याद रखो इसको। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है दोस्तों वो क्या है, ट्रेड यूनियन आंदोलन, ट्रेड यूनियन आंदोलन कब हुआ था, जल्दी से अगर आपसे बनता है तो जल्दी उत्तर लिखें, ट्रेड यूनियन आंदोलन। उत्तर होगा 1926 से 1939 तक। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ, अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, आपको उत्तर बताना है, जल्दी से सभी लोग देख रहे हैं और उत्तर सभी को बताना है। उत्तर हो जाएगा 1936 ईस्वी। भारत के पहले मजदूर संघ की स्थापना, यहाँ पर गलत लिख दिया है ना, तो कब हुई थी, 1890 ईस्वी में मजदूर संघ। किस विद्रोह में कृषकों ने यह नारा दिया कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं, किस विद्रोह में, किस विद्रोह में नारा दिया था, तो
वो नारा दिया था, पावना पावना विद्रोह में यह नारा दिया था कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? जल्दी से, मैंने पहले भी बता चुका हूँ, जल्दी से सभी लोग कमेंट में लिखें। आधुनिक युग का मनु, संविधान का जनक, प्रारूप समिति के अध्यक्ष, मसौदा समिति, प्रारूप समिति एक ही है, इन्हीं के अध्यक्ष हैं। कौन है? अम्बेडकर जी। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? जल्दी से लिखें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ज्योतिबा फुले हैं, है ना। सत्य अगर है साथ में तो ज्योति आएगी, ज्योति है ना, उजाला आएगा, सत्य से उजाला आता है। नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार कब चलाया गया था? नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार ये चलाया गया था कब? कमेंट में लिखें। उत्तर 1919 में। अवध में एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अवध में एका, अवध का जो एका आंदोलन हुआ था उसका उद्देश्य था दोस्तों, तो क्या था उद्देश्य आपको पता होगा, लिखें जल्दी, उत्तर हो जाएगा सरकार को लगान ना देना। ताना भगत आंदोलन कब आरंभ हुआ था? ताना भगत, जल्दी से लिखें, ताना भगत आंदोलन आरंभ हुआ था, और यह आंदोलन कब आरंभ हुआ था? तो 1914 में आरंभ हुआ था, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने आंदोलन से संबंधित लगभग 200 से 250 प्रश्नों पर चर्चा की है। आपको ये प्रश्न कैसे लगे कमेंट के माध्यम से बताएं, और आप हमारे टेलीग्राम ऐप से जरूर जुड़ें, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें। आपको टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए IAS स्टडी ट्रिक सर्च करना होगा और वहां पर ज्वाइन हो जाएंगे। आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं, सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन आपको सर्च करना होगा फेसबुक पेज से जुड़ने के लिए। और दोस्तों हमारा व्हाट्सएप नंबर तो दिया ही है ऊपर, आप कोई प्रॉब्लम है तो कोई कंफ्यूजन है तो आप व्हाट्सएप से भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और आपको इस वीडियो को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है। इसी तरह निरंतर टेस्ट सीरीज चल रही है और आप सभी लोग बहुत अच्छे से देख रहे हैं। दोस्तों सब्सक्राइब तो आपने कर लिया होगा, नहीं किया है तो कर लें सब्सक्राइब, और शेयर जरूर करें वीडियो को। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।